Asalaamu As Alaikum and welcome to the learning portal of Honors Kindergarten and Secondary School. I'm your math teacher and today we're gonna cover two chapters chapter number three complete and chapter number four first exercise. In this portal we shall learn how to convert decimal system to other systems and vice versa and also we shall learn how to do addition, subtraction, multiplication and पहले हम समझते हैं डेसीमल सिस्टम होता है वो सिस्टम जिसमें हम जीरो से नाइन तक के नंबर्स को यूज़ करते हैं जो देखो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं वो डेसिमल सिस्टम होता है उसके बाद होता है बाइनरी सिस्टम दूसरा होता है जी बेस फाइव सिस्टम और थर्ड होता है ओक्टा सिस्टम अब यहाँ पे हम दो सिस्टम्स को कवर कर रहे हैं पहला है जी बाइनरी सिस्टम बाइनरी सिस्टम से हम उसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम में ठीक है जी अब डेसिमल सिस्टम जब करने में कन्वर्ट करेंगे तो ये बाइनरी सिस्टम का हमें दिया हुआ उन्होंने ठीक है जी हम इसको बाइनरी सिस्टम से करेंगे बाइनरी सिस्टम से जब ये बाइनरी सिस्टम में मौजूद है अब बाइनरी सिस्टम से हमें डेसिमल सिस्टम में इसको लेके जाना है तो हम स्टार्ट करेंगे जो ब्रैकेट में हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ अब हर जो हमें इसमें नंबर दिया हुआ वा, वन ज़ीरो ज़ीरो वन अब डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो बाइनरी से पता चलता है दो नंबर दो नंबर हमने होते हैं जिसमें वो होते हैं ज़ीरो और वन अब ये ज़ीरो और वन के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है टू को और टू के ऊपर जो हम देख रहे हैं ये पावर्स ये पावर्स जो हमें नज़र आ रही हैं ये वाली टू के ऊपर ये हमें बताती है कि ये कितने नंबर पे मौजूद है ये पावर उस नंबर को शो करी मसा के तो इसमें टोटल सिक्स डिजिट हैं और ये फर्स्ट डिजिट है वो सिक्स नंबर पे मौजूद है तो इसके ऊपर टू के ऊपर हम सिक्स की पावर पावर टू की पावर सिक्स कर देंगे प्लस उसके साथ हम ऐड करते जाएंगे फिर ये असें अ, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा फिर काम यह टू फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो ठीक है जी ये पावर्स हम इसकी यूज़ करेंगे टू के ऊपर तो अब जब हम करेंगे टू तो जो पावर सिक्स है वो सिक्सटी फोर के बराबर है सिक्सटी फोर को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटी फोर हो जाएगा अब टू की पावर फाइव हो तो टू की पावर फाइव है जब टू की पावर फाइव है तो हम इसको पावर जब टू की पावर फाइव लेंगे तो थर्टी टू हो जाएगा वो जब उसे वन से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी थर्टी टू हो जाएगा अब टू की पावर फोर हो तो वो होता है जी सिक्सटीन अब सिक्सटीन को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा जब टू की पावर थ्री होगी तो वो एट होगा उसको वन से मल्टीप्लाई करें तो एट इसी तरह टू की पावर स्केयर में है स्केयर में जब टू की पावर स्केयर में तो आंसर आया फोर फोर को जब वन से मल्टीप्लाई किया है तो वो फोर अब टू की पावर वन है तो वो मल्टीप्लाई होगा वन से तो होगा टू अब टू की पावर ज़ीरो है अब आपको पता होना चाहिए कि किसी की भी पावर ज़ीरो हो जाए बेशक वो हंड्रेड है उसकी पावर ज़ीरो है तो वो इक्वल टू वन होता है जैसे टू की पावर ज़ीरो है वो ज़ीरो तो ये इक्वल टू ठीक है जी ये बात आपको समझ लगे इसलिए टू को, को जब हम जीरो से वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो अब इन सब को हम अप करेंगे प्लस 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 हमारे पास आंसर आया वन वन जब वन वन जीरो आ गया इसका आंसर अब उससे अगला जो हम एकस, आ, पार्ट कर रहे हैं जो फोर्थ नंबर अब ये है जी ओक्टा बेस ओक्टा के साथ अब वो बेस ओक्टा को हम चेंज करेंगे डेसिमल सिस्टम में अब बेस ओक्टा क्या होती है और बेस फाइव क्या होती है जैसे हमने बाइनरी सिस्टम में बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है टू डिजिट जिसमें जीरो वन होता है बेस फाइव का मतलब होता है कि इसमें पांच डिजिट होते हैं जीरो टू फोर जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है और बे, बेस एट या जिसे हम ओक्टा भी बोलते हैं उसमें होते हैं एट सिक्स सेवन सेवन तक हो, ये होते हैं इसमें डिजिट्स अब उसको जो है हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में ओक्टा को जब ओक्टा को हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम उसके जिस तरह हमने पहले जब देखा कि टू की पावर सिक्स थी इसी तरह हमने लेफ़्ट टू राइट चलना है इसमें आप देख सकते हैं ये ये ओक्टा की उसने हमें फिगर दी हुई है ओक्टा सिस्टम की ओक्टा सिस्टम में हमने लेफ़्ट टू राइट चलना है सेवन मल्टीप्लाई बाय एट अभी सेवन कितने टोटल कितने हैं फोर डिजिट्स हैं फोर डिजिट्स का मतलब कि वो आखिर में ज़ीरो पावर होगी तो इसलिए एट की पावर हमने थ्री की प्लस जीरो को मल्टीप्लाई किया एट की स्केयर के साथ प्लस वन को मल्टीप्लाई किया एट की पावर वन के साथ फिर हमने सिक्स को मल्टीप्लाई किया एट की पावर ज़ीरो जब एट की पावर क्यूब में थी तो हमारे पास आंसर आया फाइव वन टू और जब एट की पावर स्केर थी वो तो आया सिक्स एट एट दस सिक्सटी फोर ठीक है उसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो वो ज़ीरो हो गया और इसी तरह हम एट की पावर वन को तो एट वन सा एट अब मैंने आपको पहले बता चुका है कोई भी नंबर हो उसकी अगर पावर ज़ीरो हो जाए तो वन के बराबर होता है तो वन जब मल्टीप्लाई बाय सिक्स से तो आपके पास आंसर आया सिक्स लेकिन जब हमने फाइव वन टू को सेवन से, से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया थ्री फाइव एट फोर उसको हमने प्लस किया ज़ीरो फिर प्लस किया एट फिर प्लस किया सिक्स तो हमारे पास आंसर आया थ्री फाइव नाइन एट अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ठीक है जी अब यह ये है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू बेस सिस्टम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन अब बेस सिस्टम क्या अभी है, आपको मैं पीछे जु, बता बता चुका हूँ कि बाइनरी बेस फाइव और ऑक्टल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम ये सिस्टम्स हैं ठीक है जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा डेसिमल सिस्टम को यूज़ किया जाता है उसके बाद ये सिस्टम्स होते हैं बाइनरी सिस्टम जो कि कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है और ओक्टा और बेस सिस्टम बेस सिस्टम फाइव आप है जी ये क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट नंबर टू का सॉरी पार्ट नंबर फोर क्वेश्चन नंबर टू का अब इसमें हम करेंगे एट सिक्स सेवन एट सिक्स सेवन को जो हमने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है ये डेसिमल सिस्टम में मौजूद है एट सिक्स सेवन हमने इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है जब बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना तो हम इसे टू से डिवाइड करेंगे हमने जब इसे टू से डिवाइड किया ये LCM के जो है प्रोसीजर से हम लेते हैं ये देखें ये टू से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया टू को जब डिवाइड किया तो फोर थ्री थ्री वन और रिमेनिंग रमे, आया वन क्योंकि कंप्लीटली इसी डिवाइड नहीं किया जब हमने टू से दोबारा से डिवाइड किया फोर थ्री थ्री को तो हमारे पास आंसर आया टू वन सिक्स और जो रिमेनिंग था वो वो आया हमारे पास वन जब हमने टू वन सिक्स को टू पे डिवाइड किया तो आंसर आया वन ज़ीरोट और जो रिमेनिंग था वो ज़ीरो था इसी तरह जब हमने इसे हम करते गए एट दी एंड जब हम पहुँचे हैं Six पर तो टू को जब हमने डिवाइड की सिक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया टू से तो आया थ्री आंसर आया और रिमेनिंग रम, क्या था ज़ीरो ठीक है जब हमने टू को टू से थ्री को डिवाइड किया तो टू वन जो टू और आंसर हमारे पास क्या आया वन रिमेनिंग तो वन अब हम यहाँ से यहाँ से हम यहाँ की तरफ ऊपर जाएंगे ठीक है और हम लिखेंगे वन वन ज़ीरो जो रिमेनिंग रह गए लास्ट में जो हमारा आंसर आया वन उसको हम इंक्लूड करके बाकी जितने भी रिमेनिंग आए थे रिमेनिंग नंबर्स आ रहे थे जिसमें वन जीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन थे ये सारे हम लिखेंगे ये देखें इधर ये ये मौजूद है ठीक है जी अब ये बेस बाइनरी सिस्टम में मौजूद है अब बेस फाइव में भी हमने इसी तरह करना है बेस फाइव में हमने क्या करना है एट सिक्स सेवन को हमने डिवाइड करना है फाइव से जब हमने एट सिक्स सेवन को डिवाइड किया फाइव से हमारे पास आंसर आया वन थ्री वन सेवन थ्री और रिमेनिंग जो था वो टू थे याद रखना ये डैश के बाद टू लिखा हमने इसका मतलब कि ये रिमेनिंग नंबरस हैं जब हमने वन सेवन थ्री को डिवाइड किया फाइव से तो थ्री थर्टी फोर आंसर आया और रिमेनिंग था थ्री और जब हमने फाइव को थर्टी फोर को डिवाइड किया फ़ाइव से तो सिक्स आंसर आया और रिमेनिंग था फोर जब हमने फाइव को से डिवाइड किया सिक्स को तो वन और रिमेनिंग भी वन तो फिर उसी तरह जिस तरह हमने बाइनरी सिस्टम में किया था हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे जो रिमाइंडर रिमेनिंग नंबर रह गए हैं वो सारे के सारे हम लिखेंगे तो बेस फाइव में हमारे पास आया जी वन आंसर जो था वो था ये वन वन फोर थ्री टू ठीक है जी अब इसी तरह ऑक्टा में हमने किया जब एट सिक्स सेवन को हमने डिवाइड किया एट से तो वन जीरो और रिमेनिंग नंबर आया हमारे पास थ्री जब वन जीरो एट को हमने डिवाइड किया एट से तो आंसर जो हमारे पास थर्टीन था और रिमेनिंग था फोर जब एट से हमने थर्टीन को डिवाइड किया तो वन हमारे पास आंसर आया और रिमेनिंग फाइव था ठीक है जी फिर उसी तरह हमने जिस तरह हमने बाइनरी और बेस फाइव में किया था इसी तरह ओक्टा में हमने किया तो हमारे पास आंसर आया वन फाइव फोर थ्री ठीक है जी और हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट टू इसमें हम एडिशन करेंगे एडिशन करने का तरीका बिल्कुल आम जिस तरह हम में एडिशन करते हैं उसी तरह, तरह तरीका एडिशन का बस हमने ये चेक करना है कि जो भी आंसर आए अगर हम बाइनरी सिस्टम में हैं तो वो वन से जैसे ही अबव होगा उसको हम टू से डिवाइड करेंगे और जिस तरह हमने डेसिमल को सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए पीछे हमने एक्सरसाइज में देखा है इसी तरह इधर भी हम उसको फिर करेंगे डिवाइड करेंगे और रिमेनिंग जो होगा वो हम आगे कैरी करेंगे अब जैसे कि ये हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन इसमें जो था हमें थ्री फोर ज़ीरो वन टू ठीक है जी और टू थ्री ज़ीरो वन टू फोर ये बेस फाइव में मौजूद है जब हमने टू प्लस सिक्स टू प्लस टू फोर किया तो हमारे पास आंसर आया सिक्स जो कि फाइव से अबव था और ये बेस फाइव में सिस्टम में नहीं आता जब ये बेस फाइव सिस्टम में नहीं होता तो हम इसको डिवाइड करेंगे फाइव से तो फाइव वन जो फाइव रेमेनिंग क्या था फाइव वन तो मतलब क्या हुआ हमारे पास हमने ये वन जो है ये वाला वन हमने यहाँ आंसर में लिख दिया और इस वन को जो रिमेनिंग था इसको कैरी किया हमने ऊपर यहाँ पर जब ज़ीरो की जगह वन आ गया अब ज़ीरो में टू के अंदर वन ऐड किया थ्री क्योंकि ये फाइव से छोटा है और वन ज़ीरो वन टू थ्री और फोर तक हमने बेस फाइव में देखना होता तो ये फाइव से छोटा है और उसके अंदर आ रहा है इसलिए इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं ये ऐसे कैसे रहेगा इसी तरह आगे चलें तो वन के अंदर वन ऐड किया टू ज़ीरो के अंदर ज़ीरो ऐड किया ज़ीरो फोर के अंदर जब हमने ऐड किया थ्री को तो हो गया सेवन ठीक है जी सेवन क्योंकि ये फाइव से बड़ा है तो हम क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे फाइव से फाइव वन साफ फाइव और रिमेनिंग आया टू क्योंकि रिमेनिंग था टू उसको हमने आंसर में लिख दिया और ये वन को हमने कैरी कर लिया आगे जब हमने आगे कैरी किया तो थ्री के अंदर एक एक ऐड हो गया यहाँ पर ऊपर वन ऐड हुआ तो ये फोर हो गया जब ये फोर हो गया तो फोर प्लस टू क्या आंसर है हमारे पास सिक्स क्योंकि ये सिक्स जो है ये आपका फाइव से ग्रेटर है तो हम इसको दोबारा फाइव से डिवाइड करेंगे वन और रिमेनिंग आया वन अब क्योंकि इसके बाद आगे कोई चीज़ ऐड करने के लिए नहीं है तो इसलिए हम ये पूरा का पूरा पेर वन वन का एज़ इट इज लिख देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वन वन टू ज़ीरो टू थ्री वन अब इसी तरह हम ये बाइनरी सिस्टम में भी है ये ऑक्टा सिस्टम में भी है अब इसके इस बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ बेस फाइव में सप्ट्रैक्शन सेम सब्ट्रैक्शन जैसे हमने आम, आम सीखी है सबट्रैक्शन उसी तरह सब्ट्रैक्शन होगी लेकिन इसके अंदर भी रूल वही वाला यूज़ होगा जो हमने अभी डिशन के अंदर देखा जैसे ही ये कोई डिजिट आपका फा, फा, फाइव से अबव होगा हम उसको डिवाइड करेंगे फाइव से ठीक है अब हम आते हैं जी इस तरफ अब लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है जैसे हम कैरी करते थे कि सप्ट्रैक्शन uh, के अंदर तो कैरी करते थे हम आगे तो वो वन ही कैरी होता था लेकिन जब बेस फाइव या ऑक्टा सिस्टम में हम चेक कर रहे होते हैं सप्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो हम जो वन कैरी करते हैं उसको वैल्यू uh, को वो वन नहीं होता वो बेस के बराबर होता है मिसाल के तौर तो पर हम इधर बेस कर रहे हैं फाइव यूज ठीक है तो यहाँ पर हम जो वन कैरी करेंगे वो इक्वल टू फाइव होगा वन इक्वल टू फाइव होगा वो वन नहीं होगा उसकी पावर वो वन नहीं कहलाएगी वो वन हम सोच रहे होंगे वन है लेकिन वो असल में फाइव होगा मिसाल के तौर तो पर सब सब्ट्रैक्शन में इधर चेक करें वन जीरो 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 वन से हमने सब्ट्रैक्ट किया थ्री थ्री टू टू को ट्रिपल थ्री डबल टू को हमने जब सबट्रैक्ट किया तो उससे क्या हुआ? अब वन वन से टू तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता हो तो वो कैरी करेगा ठीक है जब वो कैरी करेगा तो वो कैरी इस वन से करेगा फर्स्ट वाले एक्सट्रीम लेफ्ट पे पड़ा हुआ है जब वो कैरी करेगा यहाँ से ठीक है जो जो वन है वो असल में उसकी पावर फाइव है जैसे यहाँ पर कैरी किया वन को दिया तो ये वन नहीं रहा ये लास्ट वाला वन नहीं रहा ये वन के अंदर जब फाइव ऐड हुआ वन प्लस फाइव तो वो क्या हो गया सिक्स तो ये टू जो सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं वो वन से नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे असल में सिक्स से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू को इसलिए नीचे आंसर फोर आ रहा है ठीक है इसी तरह हम फर्दर चलते हैं ज़ीरो जब हमने कैरी करते गए तो जीरो की जगह यहाँ आ गया फोर क्योंकि फोर ने एक सब एक आगे दिया ये जो फाइव एक्सट्रीम वन जो था वो असल में फाइव की पावर रखता था उसने जब आगे एक दिया तो वो भी फाइव हो गया अब उसने आगे एक दिया वो भी फाइव हो गया पीछे फोर फोर रिमेनिंग रहते रहे फोर फोर रिमेनिंग रहते रही जैसे जैसे वो कैरी कर रहा था वो पीछे जो रिमेनिंग था वो फोर रह, रह रहा था वो वन नहीं रह रहा था या जीरो नहीं रह रहा था वो फोर रह रहा था पीछे ठीक है इस बात को ज़हन में रखिएगा लास्ट में जाके वो वन के साथ फाइव ऐड हुआ तो सिक्स हो गया अब यहाँ ज़ीरो की जगह फोर है फोर में से टू को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया टू ठीक है इसी तरह इसके से पहले जो ज़ीरो था उस वो भी फोर रह गया अब फोर में से थ्री को सब्टैक्ट किया आया वन इसी तरह इसी तरह चलते चलते लास्ट तक हम एक्सट्रीम लेफ्ट तक गए तो वो सारे के सारे जो फोर बने हुए थे वो थ्री से जब थ्री उसमें से सब्ट्रैक्ट हुए तो हमारे पास आंसर वन 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 आता गया ठीक है अब वन वन आप पर हमारे पास आंसर क्या आया वन ट्रिपल वन टू फोर बेस फाइव में आंसर आ गया हमारे पास अब आए थे मल्टीप्लीकेशन बेस फाइव में ही मल्टीप्लिकेशन हम कह रहे हैं तो इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन का भी रूल उसी तरह जिस तरह सब्ट्रैक्शन एडिशन का रूल है जैसे ही वो चीज़ आपकी फाइव से बप जाएगी आपकी जो वैल्यू आएगी मिसाल के तौर तो पर थ्री थ्रीजा है ये देखें थ्री थ्रीजा नाइन नाइन तो फाइव से बड़ा है ग्रेटर है फाइव तो से हमने जब इसे डिवाइड किया तो क्या फाइव वन फाइव ठीक है और रिमेनिंग क्या था फोर रिमेनिंग हमने लिख दिया यहां पर ये यह इसी जरा थ्री को जो मल्टीप्लाई किया फोर से थ्री फोर था ट ये इसी तरह चलते 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 सारे मल्टीप्लाई होते गए इसको जो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया डबल टू थ्री फोर टू थ्री जीरो जीरो फोर फोर हमने मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब को ऐड किया ठीक है फोर एज़ इट इज़ नीचे आ गया थ्री के अंदर वन ऐड किया तो फोर हो गया ठीक है फ़ोर के अंदर ज़ीरो ऐड किया तो फ़ोर सीधा आ गया नीचे थ्री के थ्री ऐड किया और प्लस फोर किया तो क्या थ्री थ्री सिक्स टेन ठीक है जी अब उसी तरह ये चलता गया और हमारे पास आंसर आया जी डबल टू थ्री फोर टू थ्री डबल ज़ीरो ट्रिपल फोर थ्री पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसमें हम डेसिमल सिस्टम भी है असल में इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसीमल सिस्टम में जो फर्स्ट है वो डेसीमल सिस्टम है सेकेंड बेस फाइव है थर्ड भी बेस फाइव है फोर्थ जो है वो बाइनरी सिस्टम है लेकिन इन सारे सिस्टम को हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में जैसे हमने पहले बिल्कुल स्टार्ट में किया था और डेसिमल सिस्टम में से जब हमने इसे कन्वर्ट किया सबको ठीक है जी तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी हम उसको फिर डेसिमल्स को फिर हम करेंगे देख आज चेक करते हैं क्या करते हैं ये कर रहे हैं हम सबसे पहले हम सबसे पहला तो था ही डेसिमल सिस्टम में तो इसे छेड़ने की से कुछ ज़रूरत नहीं इसे, इसे हम कुछ नहीं करने वाले लगे लेकिन जो आगे बेस फाइव है उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल सिस्टम ये देखें जैसे मैंने पहले बताया था ये टू को मल्टीप्लाई किया फ़ाइव की आ, क्यूब से फिर हमने पावर जो क्यूब है उसके बाद टू को मल्टीप्लाई किया फ़ाइव के स्क्वायर से फो को मल्टीप्लाई किया फ़ाइव के पावर वन से और फोर को मल्टीप्लाई किया पावर फाइव की पावर ज़ीरो से जो हमने उनको सबको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास डेसिमल का आंसर आया थ्री टू फोर उसके बाद वन टू फोर थ्री बेस फाइव में था उसको भी हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तुम्हारे तो पास आंसर आया जी वन एट वन नाइन एट ठीक है जी अब फिर जो हमारे पास बाइनरी सिस्टम था बाइनरी सिस्टम को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी सिस्टम को जो हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया फिफ्टी फाइव अब जो हुई हमारे पास क्वेश्चन मौजूद था ये उसके सारे के सारे जो हमारे आंसर डेसिमल्स में आए थे उनको ऐड और सब्ट किया सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट है मिडल ब्रैकेट उसको हमने सॉल्व किया थ्री टू फोर माइनस वन नाइन एट माइनस फाइव फाइव तुम्हारे पास आंसर आया माइनस सेवेंटी वन और जो सिक्स फाइव थ्री में से माइनस सेवेंटी फाइव को हमने सेवेंटी वन को हमने सब्टैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया जी फाइव सिक्स फोर ये इसका आंसर है अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट टू में से ही आन, वो है जिस तरह हमने पीछा पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरह ये क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है थोड़ा सा चेंज किया जी इसमें लिखा है वेल्यू एंड एक्सप्रेस द आंसर विद बेस फा टू फाइव एंड एट इसका मतलब क्या है पहले जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ओक्टा का बेस फाइव का और बाइंड्री का उसको हमने सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया ये देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करते गए तो आंसर हमारे पाया सिक्सटी वन ट्रिपल टू ठीक है जी ट्रिपल टू और उसके बाद ही जब उसको बाइनरी को हमने किया थर्टी नाइन और जब बाइनरी का थर्टी नाइन आया और जब सिक्सटी वन प्लस ट्रिपल टू प्लस थर्टी नाइन को ऐड किया तो हमारे पास डेसिमल सिस्टम में आ गया आंसर थ्री डबल टू ठीक है अब इससे आगे हमने क्या किया उसने कहा आंसर विद द बेस टू आंसर विद द बेस फाइव एंड आंसर विद द बेस एट मतलब कि बाइनरी बेस फाइव और ओक्टा सिस्टम है हमने जो हमारे पास आंसर आया थ्री डबल टू उसको फिर हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी सिस्टम में बेस फाइव सिस्टम में और ओक्टा सिस्टम में ये देखें इसमें आप देख रहे हैं ये बेस फाइव है ये ओक्टा है ये बाइनी सिस्टम ये आप पहले ही सीख चुके हैं कि, कि हमने ये किस तरह करना है ये इनके आंसर्स आ रहे हैं कि अगर हम थ्री डबल टू जो डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में चेंज करते हैं तो इसका आंसर ये आ रहा है ठीक है और बेस फाइव में आ रहा है जी टू टू फोर टू और ऑक्टा सिस्टम में आ रहा है फाइव जीरो टू इसके ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर हमने फिफ्टीन किया हमारा अलहमदिल्ला चैप्टर नंबर थ्री कंप्लीट हुआ इधर अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर फोर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी उसमें सबसे पहले हमने इसमें क्योंकि इस लर्निंग पोर्टल जो हम इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें हम कर रहे हैं जी एक्सरसाइज नंबर फोर पॉइंट वन सिर्फ तो उसके जो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर फोर पॉइंट वन में हम सीख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन हम सीख रहे हैं अब उसकी डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज़ इन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटीज काजिज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटीज इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर हम इसको ये इस डेफिनेशन है इसको बहुत सिंपल समझा जाए तो ये है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हो और उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाए तो वो या एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही हो तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज कर जाए तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है इसी तरह अब आया इन्वर्स प्रोपोर्शन की तरफ इसकी डेफिनेशन है द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेश इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी एन वॉइसा इज कॉल्ड इनवर्स प्रपोर्शन मतलब इसका आसान वर्डिंग में यह है कि जब एक कोांटिटी इंक्रीज करे और सेकेंड इन क्वान्टिट्टी डिक्रीज करे या एक डिक्रीज करे और सेकेंड इंक्रीज करे तो ये हमारे इनवर्स प्रपोर्शन या इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है ठीक है अब जो हम एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन कर रहे हैं ये चैप्टर है जी फाइनेंशियल अरेथेमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज नंबर है फोर पॉइंट वन उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थ्री है वो जो है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इसी पढ़ते हैं इसकी हम जो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम को इफ प्राइस ऑफ अ कारपेट सिक्स मीटर लॉन्ग एंड थ्री मीटर वाइड is rupees six two double eight what will be the price of twelve meter long and six meter wide carpet ठीक है जी हम सबसे पहले करेंगे let the required price is x क्योंकि हमें price का पता नहीं है कि जो हो वो हम जिस dimension का carpet हमसे कह रहा है परचेज करें उसकी प्राइस का हमें पता नहीं है इसलिए हम क्या कर रहे हैं सोल्यूशन और उसके बाद कह रहे हैं लेट द रिक्वायर्ड प्राइस इस एक्स उसके बाद लेंथ जो फर्स्ट लेंथ उसने हमें दी हुई है वो है जी एट उसकी विथ दी है जी हमारी थ्री और उसकी जो प्राइस हमारी दी है वो है सिक्स टू डबल एट हमने इस तरह हमने तीन कॉलम्स बना लेने रेशोज़ के ठीक है जब हमने रेशोज़ के हमने कॉलम्स बना लेने हैं उसके बाद आगे जी जो हमसे उसने रिक्वायर्ड किया जी जो हमसे डिमांड करा कि इसकी हमें इसका हमें आंसर दें वो है प्राइस वो है जी के के ट्वेल्व मीटर लॉन्ग लेंथ वाला एक कारपेट है उसकी जो विथ है वो सिक्स मीटर है और एक्स प्राइस है क्योंकि हमें एक्स प्राइस का पता ही नहीं है तो हमने इसमें हमेशा क्या करना है कि हमने जो एरोस बनाने होते हैं इसमें ये देखें इसमें एरो शो किए यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ठीक है जी हमने हमेशा जो एक्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो या इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो हमने एक्स जो अननोन होगा उसकी जो एरो की दो पार्ट होते हैं एक आता हेड दूसरा कराती है टेल तो टेल हमेशा के ऊपर होगी और हेड हमेशा जो गिवन अमाउंट है या क्वांटिटी उसके ऊपर होगा ये ये देखिए अमाउंट दी एट तो एक्स यहाँ पर है हमेशा हमने इसके करना है अब इस एक्स से हमने चेक करना है कि ये एक्स के साथ इसका क्या रिलेशन बन रहा है जो हमें उसने चीजें दी हुई हैं जो हमारे हमारे पास डाटा मौजूद है वो रिलेशन क्या बना रहा है अगर वो सारी क्वांटिटीज इंक्रीज़ कर रही हैं तो उसका मतलब है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है तो उसका मतलब है कि वो इनडायरेक्ट या इनवर्स इन्वर्स है क्योंकि हम इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उसने कहा जी एट मीटर लॉन्ग हो थ्री मीटर वाइड हो तो उसके आंसर उसकी जो प्राइस है वो सिक्स टू टू है तो आपको पता है कि जैसे ये अगर जैसे जैसे वो इसकी डायमेंशन चेंज होती जाएंगी जैसी डायमेंशन बढ़ती जाएंगी तो उसकी उस कारपेट की प्राइस भी बढ़ेगी या उस क्वान्ट उस किसी भी चीज़ की कारपेट हो कपड़ा हो या फिर लैंड हो होम हो जो भी हो जो भी किस्म की चीज़ हो अब उसकी क्वांटिटी के साथ उसकी प्राइस आपको पता है जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी या उसकी डायमेंशन बढ़ती जाएंगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी इसलिए हमने एरोस को सिक्स से थ्री की तरफ पॉइंट किया है ट्वेल्थ से एट की तरफ पॉइंट किया मतलब कि ये इंक्रीज कर गया असल में ये इंक्रीज़ कर रहे। जैसे ही डायमेंशन इंक्रीज करेंगी डायमेंशन इंक्रीज़ कर रही हैं जैसे ही डायमेंशन इंक्रीज़ करेंगी तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी तो जब आप देख रहे हैं कि डायमेंशन इंक्रीज कर रही है तो प्राइस भी इंक्रीज करेगी तो वो क्या रिलेशन शो कर रहा है डायरेक्ट का ठीक है जी डायरेक्ट का रिलेशन शो कर रहा है ये तो इसलिए हम इसे सब के एरोस अपवर्ड किए हुए हैं डाउनवर्ड कोई नहीं है ठीक है अब हमने क्या करना है कि इधर हम एक्स को न्यूमिनेटर लेंगे और डिनोमिनेटर लेंगे सिक्स टू एट एट को इसी तरह हम इक्वल टू जो एक्स के साथ जितनी भी डायमेंशनस आई हैं सिक्स ट्वेल्व वो सारी डिनमिनेटर होंगे जो प्राइस सिक्स टू एट एट के साथ हैं वो क्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी डिनोमिनेटर क्योंकि एक्स हमें फाइंड आउट करना हम इसलिए उसे के एक साइड पर रखेंगे और इज इक्वल टू जो डायमेंशनस हैं वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या आपस में वो कैंसिल आउट कर लें ठीक है जी अब हम इसको कैंसिल आउट ही कर रहे हैं थ्री को जब ट्वेल्व से थ्री को जो हमने डिवाइड किया सॉरी ट्वेल्व को डिवाइड किया थ्री से तो आंसर हमारे पास है फोर यहाँ पर ठीक है और फिर फोर डिवाइड कर रहा है एट को तो बन गया टू अब टू डिवाइड कर रहा है को वो गया, three, three, तो थ्री थ्री तो हमारे पास क्या बचा एक्स ओवर सिक्स टू एट एट इज इक्वल टू थ्री ठीक है अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ये यहां पे जो डिनोमिनेटर था इक्वल के लेफ्ट साइड पे वो ऊपर जाकर नोमिनेटर बना और थ्री के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो थ्री मल्टीप्लाई सिक्स टू एट 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 ठीक है जी हमारे जिससे हमारे पास आंसर आया वन डबल एट सिक्स फोर ये जी दस द रिक्वायर्ड प्राइस इज़ वन डबल एट सिक्स फोर मतलब कि इस डायमेंशन का मैं ट्वेल्व उसकी लेंथ हो और सिक्स मीटर वो वाइड हो तो उस वो कारपेट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा वन डबल एट सिक्स फोर की प्राइस में अब चलते हैं हम आगे वो है जी इनवर्स प्रोपोर्शन इनवर्स या इनडायरेक्ट हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं कई लोग इनको इसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं या इनवर्स प्रोपोर्शन भी, भी कहते हैं इसमें क्या है जी उसको हम सीखते हैं वो क्या है जी सेवन मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ वन फिफ्टी मीटर लेंथ इन ट्वेल्व डेज हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ सिक्स हंड्रेड मीटर इन थर्टी डेज अब देखें हाँ आप कहेंगे जी ये तो ये दोनों बहड़ें लेकिन दोनों भाड़े नहीं रहे आप इसको इस तरह समझें कि एक शख्स जो है या एक लेबर जो है वो काम एक दिन का काम करती है और अगर उसी जगह दो लेबर लग जाए ठीक है दो पर्सन आ जाए तो वो काम आधे दिन में भी ख़त्म हो सकता है क्योंकि वो काम डिवाइड हो जाएगा इसी तरह इस केस में भी है आए जो हम चलते हैं सोल्यूशन से लेट द रिक्वायर्ड मैन कि हमें कितने मैन चाहिए इस सिक्स मीटर को थर्टी डेज में कंप्लीट करने के लिए सिक्स हंड्रेड मीटर्स को तो उसने कहा सेवेंटी मैन कैन कंप्लीट अ वॉल वन फिफ्टी मीटर ठीक है अब अगर बारह जो लोग हैं वो वन फिफ्टी मीटर को सॉरी बारह दिन में सत्तर लोग एक सौ पचास मीटर को कंप्लीट करते हैं तो एक्स मीट हमें हाँ मैन का पता कोई नहीं है तो जो डेज हैं वो थर्टीज़ हैं और सिक्स हंड्रेड मीटर लेकिन सिक्स हंड्रेड मीटर एज़ कंपेयर टू तो फिफ्टीन हंड्रेड मीट वन फिफ्टी से बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर उस रेशो से देखा जाए तो हमारे पास ट्वेंटी फोर आने चाहिए लोग मगर थर्टी बंदे आ गए हैं हमारे पास बंदे बढ़ गए हैं देश बढ़ गए हैं उस हिसाब से हम देखें वन फिफ्टी के हिसाब से तो देश बढ़ गए हैं लेकिन हमारे पास आदमी कितने होंगे ठीक है वो सत्तर है पहले तो अब हमारे पास एक्स आदमी हैं हमें पता कोई नहीं है अगर हम देखें तो सिक्स हंड्रेड जो है वो बढ़ गया है वन फिफ्टी से लेकिन एज कम्पेयर टू डेज तो डेज हमारे पास थोड़े दिए हों हमारे डेज तो बनते हैं अगर हम इसको देखें वन सिक्स हंड्रेड को डिवाइड करें फिफ्टीन से सिक्सटी को फिफ्टीन से डिवाइड करें तो फोर आता है तो बारह को जो ट्वेल्व को हम फोर से मल्टीप्लाई करें तो फोर्टी एट डेज हमें मिलना चाहिए एज़ जिस रेशो से उस होना चाहिए काम उसने तो उस रेशो से उसने कहा जी कि इस रेशो से देखा तो वो थर्टी डेज दे रहा है ऑलमोस्ट एटीन डेज कम दे रहा है तो डेज तो कम हो गए जो वर्किंग है वो बढ़ के फिफ्टी फाइव वन फिफ्टी से बढ़कर कर वो सिक्स हंड्रेड हो गई है लेकिन जो डेज हैं वो, वो उस रेशो से नहीं बढ़े वो फोर्टी एट होने चाहिए थे लेकिन वो बने हमें दे रहे हैं तीस थर्टी डेज दे रहे हैं तो उस हिसाब से हमने चेक करना कितने आदमी लगाए कितने मैन को हम यूज करें कि वो कंप्लीट कर दें इस काम को तो इसलिए ये इनवर्स पोशन बन रहा है कि एक तरफ तो उसने जो वर्किंग है वॉल कंप्लीट करना है वो सिक्स हंड्रेड मीटर बढ़ा दिया है वन फिफ्टी से लेकिन उस रेशो से उसने हमें डेज नहीं दिए डेज उसने कम कर दिए हैं तो एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है तो ये कौन सा प्रपोर्शन होगा इनवर्स प्रपोर्शन होगा ठीक है इसलिए अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक्स के साथ जो हम एरो शो करेंगे उसकी टेल एक्स के साथ होगी और हेड अमाउंट के साथ जो दी होगी इसके साथ और उस हिसाब से हम चेक करें ये देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन बन रहा है ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड हेड है ये दोनों इन्वर्स रिलेशन बना रहे हैं इसी तरह जिस तरह हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का काम किया था उसी तरह हम इस क्वेश्चन में करेंगे अब हम सबको जो हमने करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है वन वन टू मैन हमें एक सौ बारह लोग चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए ठीक है जी ये काम हमें कंप्लीट करने के लिए एक सौ बारह लोग चाहिए एंड थैंक यू वेरी मच दैट्स दैट वाज ऑल अबाउट दिस लर्निंग पोर्टल तो स्टूडेंट शुड डू ऑल द वर्क विच हैज मेंशन बिफोर और जो जो कुछ हमने बता चुके हैं उसको आपने कंप्लीट करना स्टूडेंट इस वीडियो के बाद जो है जी ये जो एक्सरसाइज हैं कंप्लीट करनी फोर पॉइंट वन ठीक है जी और पूरा उसको फोर पॉइंट पॉइंट तक हमने कंप्लीट करना थ्री पॉइंट वन से लेकर फोर पॉइंट वन तक हमने कंप्लीट करना है अपने काम को और जितने भी आंसर्स हैं हमने हमने चेक करने एंड से और एंड से चेक करने के बाद आपने अपने इसको कॉपी पे पूरी प्रैक्टिस करनी है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लर्निंग पोर्टल एंड अल्लाह हाफिज़